हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए राजा रवि वर्मा, जो भारत के प्रसिद्ध तैल रंग चित्रकार थे, उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था, केरल के किलिमानूर गांव में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल में किस स्थान पर हुआ था? किलिमानूर। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा यहाँ पे। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई? 1908, 1910, 1906, 1921। 1906 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को मृत्यु प्राप्त हुआ। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं वास पेंटिंग के लिए, टेम्परा चित्रण के लिए, तैल रंग पेंटिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा तैल चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे नंदलाल बोस, ए एन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। तो तैल रंग से जो चित्रण किया वो राजा रवि वर्मा ने किया। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, सतीश गुजराल। तैल विधा में कार्य करने वाले जो पहले कलाकार हैं वो राजा रवि वर्मा हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैल रंग से निर्मित हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, निरोध मजुमदार, रयामिनी राय, राजा रवि वर्मा। तो 20वीं सदी में जो तैल कृतियां हैं वो राजा रवि वर्मा से संबंधित हैं। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला और नृत्य कला। तो राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए फेमस हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। सैलेंडे, नंदलाल बोस, के एन मजुमदार, छतीन्द्रनाथ मजुमदार, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा यहाँ सही हो जाएगा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार थे राजा देववर्मन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर, साबावाला, इनमें से कोई नहीं। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार जो थे वो राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रण के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्र के लिए, राजनैतिक चित्र के लिए। राजा रवि वर्मा जो है वो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं पर इन्होंने चित्रण किया। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, आलियोग्राफ, आर्ट स्टूडियो। तो उन्होंने आलियोग्राफ लिथोग्राफी प्रेस का आविष्कार, लिथोग्राफी प्रेस पहली बार भारत में लाया। ये किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकतर घरों में पाई जाती हैं? नंदलाल बोस, ए एन टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकतर घरों में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? एम एफ हुसैन, ए एन टैगोर, राजा रवि वर्मा, रामचंद्रन। दक्षिण भारत के जिप्सी जो चित्र है वो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया। रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ए एन टैगोर, नंदलाल बोस, हल्दार, राजा रवि वर्मा। रंग रसिया जो फिल्म है वो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्रों का संग्रह है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में।
अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा के मुलाकात को चित्रित की गई है, कुल कितने रुपए में बिकी थी? 1.24 मिलियन डॉलर में, 5.20 मिलियन डॉलर में, 3.01 मिलियन डॉलर में, 2.15 मिलियन डॉलर में। तो वो 1.24 मिलियन डॉलर में बिकी थी। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? पिकासो, राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। तो ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, कोई नहीं, तो वो राजा रवि वर्मा की देन है। विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उनके जीवन को कैनवास पर जगह दिया, प्रभाववाद, घनवाद, रेनेसाकाल, कंपनी शैली। कंपनी शैली में ऑयल कलर का कुछ प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने राजा रवि वर्मा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उससे आपको बता दिया है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और हमें YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, मैं इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।